दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ विषयक 7 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन गुरुवार को कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी रणविजय सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राम अचल सिंह, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की पूर्व प्राचार्या गीता दत्त दुबे, दिग्विजयनाथ एलटी इंटर कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर सुमित्रा सिंह सहित कई शिक्षक व छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान माला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद वक्ताओं ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए संघर्ष और योगदान पर विचार व्यक्त किए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने कहा, मैडम को आना चाहिए और जब सुबह हमने कहा इस वक्त शायद मुझे कुछ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सर आचार्य अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही आचार्य अतिथियों के द्वारा शिक्षा का वातावरण जो पिछड़ा पन था, समाज का जो पिछड़ा पन था 30 के दशक में तक हम लोगों की तो पैदाइश नहीं हुई थी, पर बड़े महाराज जी जो थे उन्होंने इस क्षेत्र की पिछड़ापन, इसकी अशिक्षा, इसकी स्त्रियों की दशा, जहाँ पर कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जहाँ स्त्रियों को शिक्षा दी जा सकती, ये सारी समस्याएं किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ अगर हम बढ़ पाते हैं, हम विकास कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक विकास विकसित देश की श्रेणी में आ सकते हैं। करते हैं यह तो एक औपचारिकता है जो हम वर्ष में एक बार मनाते हैं, पर प्रतिदिन जब हम पीछे अपना जीवन देखते हैं, गोरखपुर की स्थितियों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, क्योंकि यही हमारी पैदाइश है और यही इतने वर्षों का जीवन व्यतीत किया है, और जब पीछे मुड़कर के देखते हैं तो लगता है कि कितना विकास ये युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में एक व्याख्यान माला का 7 दिवसीय आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान माला के आयोजन से हमारे छात्रों को प्रतिदिन, आज का दिन जो है उद्घाटन सत्र है, इसमें विविध विषयों पर जो समाज की जो आज चुनौती है उन प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर विभिन्न दिवसों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कि शिक्षा एक दिन रखा गया है कि महाराज जी ने जो शैक्षिक क्षेत्र में जो क्रांति, अद्वितीय क्रांति उत्पन्न की है, उस पर जो है प्रोफेसर रविशंकर सिंह का व्याख्यान होगा। कल महाराज जी के विचारों को समाज में कितनी प्रासंगिकता है, उन्होंने समाज को तो किन किन मुद्दों पर शिक्षा, अध्यात्म, संस्कृति आदि पर चर्चा, कल दिग्विजयनाथ के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह का व्याख्यान होगा। एक दिन सामाजिक शिक्षा का सामाजिक संदर्भ प्रोफेसर एनपी भोक्ता का कार्यक्रम होगा। एक दिन भारतीय इतिहास की गलतियां प्रोफेसर राजेश सिंह पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट उनका व्याख्यान होगा। और 12 को इस कार्यक्रम का समापन होना है। इस कार्यक्रम में महाराज जी के विचारों को हमारी आज की युवा पीढ़ी की, उन्होंने समाज के लिए, जब हमारे गोरखपुर में शिक्षा की कोई संस्थाएं नहीं थी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमारे समाज की, हमारे पूर्वांचल की जनता के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया और निरंतर संस्थाओं को खोलते गए और संस्थाओं में गुणवत्ता, संस्थाओं में संस्कार, संस्थाओं में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए कि आज की युवा पीढ़ी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने आध्यात्म को जाने, जिसकी आज के समाज में विशेष आवश्यकता है।